तो राम राम भाई लोग की हालचाल मजा में। इन 7 दिनों में भूल तो नहीं गए ना। बताओ यार, एक सिंपल सी वीडियो डाली थी जिसमें ना मारकाट थी, ना हिंदू मुस्लिम था, ना लड़ाई झगड़ा था, सिर्फ भाईचारे को मैं बढ़ावा ही तो दे रहा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं द पैट्रियट ऑफिशियल, वहाँ आपको मिल जाएगी। अब यूट्यूब की पाचन क्रिया ही इतनी ख़राब है तो मेरी क्या गलती। लेकिन नमूनों ने स्ट्राइक दे दी जो कि 90 दिनों के बाद ही हटेगी। अगर स्ट्राइक फिर से आ जाती है 90 दिनों के अंदर तो 14 दिनों के लिए चैनल बैन हो जाएगा, और तीसरी स्ट्राइक फिर से आ जाती है 90 दिनों के अंदर तो चैनल यूट्यूब से गायब हो जाएगा। इसलिए हो सकता है मैं कम ही वीडियो डालूँ, 2 या 3 दिन के गायब करके। ठीक है भाई लोग, तो मैनेज कर लीजिएगा। वैसे जो अपना दूसरा चैनल है ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन, उसकी स्ट्राइक हट चुकी है तो उस पर वीडियो जारी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी एक बैकअप चैनल है ये अपना, और बाकी आप सबका सपोर्ट प्यार और साथ है ही, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जो ट्रेन हमारी थी उसके ऊपर लिखा गया था तोहफा हिंदुस्तान टू पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी जी, बिल्कुल। डेड बॉडीज़ जो है दिल्ली लाई गई थी, वो डेड बॉडीज़ महात्मा गांधी को दिखाई गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पंडित नेहरू को बताया गया, जब पटेल ने देखी उसने कहा एक के बदले चार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंडिया में चार गुने मुस्लिम थे, वहाँ पर मतलब एक के बदले चार गुन जी, अगर यहाँ से मार के भेजोगे तभी आप बैलेंस बराबर होगा। तो चार ट्रेन ऊपर नीचे यहाँ पानीपत के बाद में काट के भेजी, उसके बाद में पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब बिहार विधानसभा चुनाव के जो वोटों की गिनती हो रही है उसकी बात हो रही है, तो एक नया रिकॉर्ड बिहार में बना है वोटों की गिनती के दौरान, जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं उसमें, और वो नया रिकॉर्ड शिवसेना ने बनाया है, और शिवसेना ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त करवाने का। अब ये सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त करवाने का जो रिकॉर्ड है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नाम हो गया, क्योंकि 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे शिवसेना बिहार की, और 70 की 70 सीटों पर शिवसेना के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई है, इस वक्त की ये खबर है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाई मजा आया, गजब बेइज्जती है। कौन सा मुद्दा इस बार छाया हुआ है इलेक्शन में, ये बताइए। हम अखनी तो नहीं बता सकते, समय आएगा तब ना बताएंगे। अच्छा, कोई नेता सोचे हैं जिसको वोट डालेंगे, कौन अच्छा लगता है? देखिए हम लोग अभी जैसे पुराना में चल रहे हैं, पुराना में जाएंगे। पुराना कौन? हमारा लालटेन छाप है। लालटेन छाप, तो लालटेन छाप ही क्यों, मतलब क्या खास है लालटेन छाप में? लालटेन छाप से खासियत यह है कि हमारा कुछ जान बचा है कभी समय में। अच्छा, इधर आ गया, ये थोड़ा इधर आइए, थोड़ा आप भी करती हैं ये, इधर आइए आगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी नाम है। तो क्या चाहती हैं, लेकिन ये बताइए चुनाव में बदलाव होगा या कौन सा नेता कौन सा अच्छा लगता है आपको? नेता दे अथी दिया है अथी मोदी। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? दिया है। ये कौन है? ये आपकी पत्नी है। आपको लालटेन पसंद है, इनको मोदी जी पसंद है, ये गजब हाल है भाई, ये तो बढ़िया है। एक ही परिवार में एक जने लालटेन वाले, एक जने मोदी वाले। मोदी जी क्यों पसंद है आपको? पसंद है से अथी दिया है, राशन दिया है फ्री में, गैस। अच्छा, गैस भी दिए हैं, गैस का चूल्हा, राशन भी फ्री में दिए हैं। हाँ। तो इसलिए आपको नरेंद्र मोदी जी पसंद है। हाँ। और ये इनको मोदी जी पसंद है, आप कह रहे हैं लालटेन छाप। तो मेरा पत्नी है, जाने ढूलेगा कहीं ना हम ढूलेंगे। वो जहाँ कहेंगे तो ही ना देंगे यार। अब पलट गए, मतलब वो कह रही है मोदी जी तो पलट जाएंगे, मोदी जी को दे देंगे, मोदी जी को दे, मतलब वो जो कहेंगे उन्हीं का राज चलता है घर में, उसी का राज चल है अभी। अगर कोई आपसे कह रहा है मोदी लहर गई, या तो वो बेवकूफ है या आपको बेवकूफ बना रहा है, ना गई है ना जाएगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, जिससे कि वीडियो की रीच रापचिक बनी रहती है। बिहार का राजा किसे बनाएंगे भाईजान? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, मैडम आप बताइए, ये तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको क्या लग रहा है? हाँ। कौन, नाम बोलिए।
मोदी जी। अच्छा, वो कह रहे तेजस्वी यादव आप मोदी जी? यस। क्या कर रहे हैं? घर में ही अलग अलग। हाँ तो क्या हुआ? तो मोदी जी क्यों, कोई खास वजह? हाँ है? क्या वजह है खास? अच्छे, इतना जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या भैया, मैडम तो आपसे अलग चल रही है। वो मजाक कर रही है। हाँ, कैमरा वाले सामने डर लग रहा है। झूठ नहीं बोल गए। चलो ठीक है, वो मजाक कर रही है। तभी झूठ नहीं बोल गए। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी को ला रही है। जी हाँ भाई, यहाँ तो कमाल हुआ पड़ा है। भाई साहब बोल रहे हैं तुझे। अगर सब कुछ सही था तो उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने हर कदम पर झूठ बोला, यहां तक कि जन्म स्थान से लेकर उसके असली नाम तक। हाँ, ये सोनिया गांधी के बारे में है। बता दें कि सोनिया गांधी की शादी पूर्व पीएम राजीव गांधी से हुई थी। उनका कहना था कि वे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन वहां सोनिया नाम की कोई स्टूडेंट थी ही नहीं। यहां तक कि उनके असली नाम की भी कोई स्टूडेंट नहीं थी। एक रिटायर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर मलय कृष्ण धर के द्वारा लिखित किताब ओपन सीक्रेट में यह खुलासा हुआ है। बता दें कि मलय कृष्ण धर ने 29 वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा दी है। उन्होंने इस किताब में लिखा कि इंदिरा सरकार के कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद केजीबी रूस की जासूसी एजेंसी के लिए काम करते थे। केजीबी ने इसके लिए मोटी रकम देता था। मलय कृष्ण धर ने उनकी किताब में कुछ जाने माने तथ्य और पब्लिक सीक्रेटों को प्रकाशित किया है। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी गई जासूस है। वर्ष 1985 में रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी द्वारा 2 बिलियन US डॉलर यानी कि 94 करोड़ रुपए राहुल गांधी के स्विस बैंक खाते में जमा किए गए थे, जो कि सोनिया गांधी द्वारा मैनेज किया जाता था। स्विस न्यूज मैगजीन में भी यह दर्शाया गया था कि केजीबी ने सोनिया गांधी, जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित है, उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी गई। अगर सोनिया गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन गई होती तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, वैज्ञानिकता और टेक्नोलॉजी विकास सहित हमारी व्यापारिक गतिविधियां रूस, रोम और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के लिए एक तरह से खुले किताब के समान हो जाती। इटालियन माफिया भारतीय इंडस्ट्रीज और व्यापार पर अपना दबदबा कायम कर लेता, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता। कृष्ण धर द्वारा जुटाए गए कुछ सबूत सोनिया गांधी को रशियन एजेंट साबित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय इंदिरा गांधी को भी केजीबी द्वारा मोटी रकम मिलती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के चहेते रहे। तो देखो भाई लोग, अब आपको करना क्या है, अपने टेलीग्राम पर एक ग्रुप है ऑफिसियल राइट रेवोल्यूशन नाम से, आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ऑफिसियल राइट रेवोल्यूशन तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप का मेनली एक ही काम है, इसमें रिपोर्ट के लिंक आते रहते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब की ऐसी किसी वीडियो का जो हमारे देवी देवताओं को लेकर गलत तस्वीरें पोस्ट करते हैं, हमारे सनातन को लेकर गलत अफवाहें फैलाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, लिंक पर क्लिक करके बस उनकी रिपोर्ट करनी होती है। रिपोर्ट करने से हम उनके अकाउंट बैन करवा सकते हैं, वीडियो यूट्यूब वीडियो डिलीट करवा सकते हैं, बट रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, बस यही एक कंडीशन है। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और उसमें लिंक प्रोवाइड करता रहता हूँ। बाकायदा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि आप इसकी रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। बाकी का मैं आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक दे रहा हूँ, ये भी अपना एक टेक्निकल चैनल है, टेक्निकल रेवोल्यूशन नाम से, आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई बटन में जो आपको लिंक है, आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं कि आप किसी भी अकाउंट की रिपोर्ट कैसे करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप की या किसी व्हाट्सएप पे किसी के नंबर की रिपोर्ट कैसे करते हैं, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ सर्च करना है ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं आपको वैसे पिन कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये सिर्फ अकेले मेरा काम नहीं है, हम सबका काम है, तो आप सबका सहयोग चाहिए, बस इतना ही सहयोग मांग रहा हूँ। और भाई लोग, हो सके तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, टिकटॉक पे मुजरा करने वालों के इतने फॉलोवर हैं मिलियन में, और यहाँ यूट्यूब पर जितने भी भाई हैं उसके आधे से आधे क्या बताऊँ, 1% भी नहीं है इंस्टाग्राम पे। तो भाई आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, आप सर्च कर लीजिएगा द पैट्रियट या ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन, आपको अकाउंट मिल जाएगा, तो जरूर फॉलो कीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक भाई लोग जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में मुझे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं, लाइक करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बस क्लिक करना है तो कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो की रीच बनी रहती है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।